स्वामी विवेकानंद कहते थे मनुष्य केवल सारे दिन आपका अवकाश का पता नहीं, वो ईश्वर कांत है, अनंत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है और हमारा आनंद का भंडार। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं वो जो वो जो कर सके। और इसलिए मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं, अभी आगे बढ़ना है और भारत को आगे बढ़ाना है, दुनिया के नंबर एक का राष्ट्र विश्व गुरु के पद पर हमारे हिंदुस्तान को अधिष्ठित करना है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं ये होगा। आप देखिए आज से 8-10 साल पहले दुनिया में भारत की स्थिति क्या थी और आज भारत की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो दोहराते हुए मुझे भी गर्व होता है, भारत अब आंखें झुका के बात नहीं करता, आंखों से आंखें मिला के दुनिया से बात करता है। एक जमाना था जब प्रीति से देश हमें डरा देते थे, लेकिन हमने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। डोकलाम में चीन के सैनिकों ने घुसने की हिम्मत की थी तो गर्दन तोड़ के हमारे सैनिकों ने वापिस चीन की सेना में फेंक दिया। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को मानते हैं, मतलब सारी दुनिया एक परिवार है, इसलिए लोग सुखी रहे, निरोग रहे, मंगल सबका हो, कल्याण हो, ये प्रयास हम करेंगे। G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गर्व होता है हमें। मेरे बेटा कब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपना मध्यप्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज बात लंबी नहीं करूंगा, मेरा एक कार्यक्रम और अत्यंत महत्वपूर्ण विदिशा में है जहां लगभग 1 लाख लोग मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़े कार्यक्रम भी कट स्टार्ट हमने किए हैं, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूं कि हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ते चलो, हम खुद भी आगे बढ़े, अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ाए और अपने देश को भी आगे बढ़ाए। आज जो हमारे तीनों कैडेट्स फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आए हैं उनको क्रिमसा 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जिन्होंने ड्रिल में भाग लिया उन सबको भी 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के स्वरूप दी जाएगी। लेकिन जिन्हें सांस्कृतिक प्रदर्शन, दो तो हमने ग्रुप देखे, तीन मैं कहूंगा एक बांसुरी वादन का भी, तो ये चूंकि सामूहिक है तीनों, तीन नहीं 5 है, आप कितने थे कल्चरल एक्टिविटीज में, कितनों ने नृत्य में भाग लिया? 30 ने भाग लिया, ओवरऑल 30। तो इन हाँ, तो सबको जितना इंडिविजुअल ने भाग लिया है सबको भी 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि ओवरऑल सभी को दी जाएगी। यहां पे मेरे स्टाफ के लोग होंगे, सब बच्चों के नाम और डिटेल महाजन साहब या जो भी संबंधित हमारे वो दे देंगे, क्योंकि ये बच्चे जो चमत्कार करते हैं, ये राशि का महत्व नहीं है, ये राशि नहीं है, पुरस्कार सम्मान निधि है, आपका सम्मान कर रहा हूं मैं इसी भाव से। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एनसीसी को और बढ़ावा देने के लिए महाजन साहब आप और आपकी टीम हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो आपने कुछ बात कही है कि हथियार पुराने हो गए, बाकी चीजें उनको भी रिप्लेस करेंगे, तो हम आपके साथ बैठ के योजना बनाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब एडीजी AK महाजन जी आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच के समीप एकत्र